पुलवामा आतंकी हमले के बाद सरकार लगातार बड़े एक्शन ले रही है और अब अलगाववादियों पर सरकार का हंटर चला है। कश्मीर के अलगाववादियों पर केंद्र सरकार का ये बड़ा एक्शन है। सरकार ने अलगाववादियों को मिली सुरक्षा और सुविधाओं को वापस ले लिया है। 5 अलगाववादियों को दी गई सभी सुविधाओं को वापस लिया गया है। मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी बट और बिलाल लोन की सुरक्षा वापस ली गई है। पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह का क्या कहना है सुरक्षा को लेकर जो हटाई गई है अलगाववादियों की, एक बार वो सुन लेते हैं पहले। और सुरक्षा जितना हक फरुखुल्ला का है, भीम सिंह का है, उतना ही हुर्रियत के लीडरों का भी है। ना मैं सपोर्ट करूं ना विरोध करूं, मैं कहता हूं जो कानून के मुताबिक जो सिक्योरिटी रूल्स हैं वो जो विपक्ष का है या पक्ष का है इसको लिखा जाता, किसको कितनी सिक्योरिटी चाहिए या कितना सिक्योरिटी थ्रेट है ये देखा जाता है। ये जिद में आकर बदले की भावना से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जो भी हुक्मरान है जम्मू कश्मीर का ये सोचे। तो भीम सिंह कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा जो हटाई गई है उसको गलत कह रहे हैं। मनीष, ये एक सीधा और साफ संदेश है कि आप रहेंगे यहां लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवाद पल रहा है और जो घुसपैठ कर रहे हैं उस सरपरस्ती को आप हवा देंगे, ये तो नहीं चलेगा। साफ करना होगा अपना स्टैंड आपको। बिल्कुल, देखिए लगातार देश विरोधी जो अलगाववादी नेता हैं वो काम कर रहे हैं। 14 अगस्त को जो कि पाकिस्तान का डे होता है, कश्मीर में वो पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं। एनआईए की टीम ने लगातार जो इन्वेस्टिगेशन की, इन अलगाववादी नेताओं के घर से लश्कर तोयबा के लेटर हेड मिले और सीधा सीधा जो आतंकियों की भर्ती, उनकी मदद, उनकी फंडिंग, उन सब में इन्वॉल्वमेंट रहा। जो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान जो हाई कमीशन दिल्ली में है वहाँ जाते थे, ब्रीफकेस भर भर के पैसे इनको मिलते थे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात करते थे और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के पीएम उस वक्त नवाज शरीफ को से बकायदा इनका कम्युनिकेशन होता था। तो ऐसी स्थिति में तो आप सरकार से पैसे भी लेंगे, सुविधाएँ भी लेंगे, गाड़ियाँ भी लेंगे और उसके बाद सरकार के खिलाफ बात करेंगे, देश के खिलाफ बात करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन अभी भी कई स्टेप हैं जो बहुत लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इनके खिलाफ बहुत से केसेस दर्ज हैं, 15-15, 20-20 साल पुराने मर्डर के केसेस दर्ज हैं, देश के खिलाफ साजिश रचने के केस हैं। वो सारे केस ना जाने किस वजह से एक दबाव के चलते ना उनकी चार्जशीट की गई है, ना उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। अगर वो केस जल्दी से उस पर कार्रवाई होती है तो इनको उम्र कैद, फांसी तक की सजा भी मिल सकती है। तो सरकार को एक बढ़िया मौका है कि जब सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं तो इनके खिलाफ जो देश के खिलाफ तमाम मामले हैं उनको भी ओपन करने चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए, जैसा कि चीन के अंदर होता है। आप देखिए चीन में आप चाहे आपकी जो भी बातें हों लेकिन आप देश के खिलाफ बात नहीं कर सकते, वो गोली तक मारते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आतंकी, इनको आप समझना होगा कि ये आतंकी की तरह ही खतरनाक है क्योंकि ये उनके मददगार हैं। और रणनीति कहीं ना कहीं एक तय की जा रही है, उसका हिस्सा इसे कहा जा सकता है। जब राजनाथ सिंह पहुंचे थे उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए थे कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। क्या कहा था एक बार वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने इस बात के संकेत दिए थे और वो कदम आज उठा भी लिया गया है। रवि, ये रणनीति का हिस्सा है, संपूर्ण कार्रवाई हम इसे नहीं कह सकते, यानी कि आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है, देखने को मिलेगी इनके खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए ये देशद्रोही है, अगर एक तरह से कहा जाए एक्चुअली, जिन जो आरोप लगते हैं देशद्रोह करने का, तो ये देशद्रोही है। देश में रहकर, देश का पैसा खाकर, देश की सुरक्षा पर पलने वाले ये लोग जो हैं, ये देश के खिलाफ माहौल बनाते हैं, देश के खिलाफ आंदोलन करते हैं, देश के खिलाफ पत्थरबाजी करवाते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो मनीष ने भी कहा, मैं मानूंगा इस बात को कि ये सहमति वाली बात है। जो लोगों से बात कीजिए, लोगों का सेंटिमेंट है, ये हमारा सेंटिमेंट नहीं है, ये लोगों का सेंटिमेंट है कि इनके खिलाफ नरमी क्यों, और अगर सिर्फ इनकी सुरक्षा वापसी नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने देशद्रोह किया, अगर कोई इनको मिला है देने की बहुत हो गया, अब रोकना होगा, अब सीमाएं लांघने से नहीं चलेगा। अब आपको अगर इस देश में रहना है तो यहां की सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा और ये सीधा संदेश है।